हाय गाइस, आज हम करेंगे पीआरटी के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आ रखे हैं वो। तो चलिए देखते हैं, ये सारा मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर ही सॉल्व करा रहा हूँ पीआरटी का, ठीक है। चलो, कह रहा चूज अ सुटेबल एंडिंग फॉर दिस सेंटेंस, ही प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जाम येट डैश। अब सबसे पहले आप देखो, येट का मतलब क्या होता है। येट का मतलब होता है कोई बोल रहा है क्या, कोई कहना चाह रहा है कि एट द टाइम ऑफ, मतलब अभी तक, ठीक है। आपका जो ये येट है, आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा येट है, ये हमारा पहले नेगेटिव वर्ड है। क्या है ये हमारा नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड। दूसरा जो येट है, येट का मतलब क्या हो गया, अभी तक, मतलब सो फार, येट सो फार मतलब अभी तक, ठीक है। तो ये नेगेटिव वर्ड होता है जो कभी कभार क्या होता है, आप कुछ चीजों के लिए बोलते हो। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि ये चीजें होंगी। जैसे मैं बोलूं इट इज डार्क, इट इज डार्क मतलब यहां पे क्या हो गया, अंधेरा हो गया है, बट ही हैज नॉट टेकन टेकन हिज वॉक येट। मतलब अंधेरा तो हो गया है, बट अभी तक उसने अपनी जो वॉक है वो अभी तक उसने नहीं ली है, मतलब वॉक नहीं करी है। वैसे इस नॉर्मल सेंटेंसेस में देखा जाए तो येट ध्यान रखना, आप यूज करना हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। ये बात मेरी ध्यान रखना, ये मैं आपको एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लेना इन चीजों को। अब इस सेंटेंस को देखते हैं, कह रहा ही प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जाम, बट उसने प्रिपेयर तो करा वेल, बट अभी तक क्या हुआ। वो कहना चाहता है कि उसने प्रिपेयर तो करा एग्जाम के लिए, बट वो पास नहीं हो पाया। मतलब येट मतलब अभी तक वो पास नहीं हो पाया। येट का मतलब भी आप नेगेटिव में देखते हो, ठीक है। क्यों, अगर बोलोगे देखो ही प्रिपेयर्ड वेल, यहाँ पे वी टू आ रहा है मतलब पास्ट में जा रहा है, तो पहली बात ये सिंपल प्रेजेंट तो आएगा ही नहीं, ये तो कट गया, ठीक है। फिर ये ही पास्ट ये क्या होता है, ये आपके ऑप्शन में आ रखा है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। अब ये कह रहा है ही प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, या तो बोलता है एंड और वो पास हो गया, एंड ही पास तो हम बोलता, तो येट ये नेगेटिव वर्ड क्यों लगा रहा है। अगर कुछ यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है तो इधर तो नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो नेगेटिव वर्ड आया, तो ये भी गलत हो गया। वो कहना चाह रहा है उसने प्रिपेयर तो करा एग्जाम के लिए, बट वो फेल हो गया, ठीक है। बट वो क्या हो गया, वो फेल हो गया, तो ही फेल्ड क्या हो गया, वो ही फेल्ड हो गया, ठीक है, ही फेल्ड इन द एग्जाम। तो आपका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है, अच्छा समझ में आ गया ना वो। अब नेक्स्ट देखो, कह रहा है इट इज हाफ पास्ट सेवन डैश माई वॉच। पहले तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी आपको बोलना हो इट इज एट, कुछ भी बोलना हो, जैसे इट इज एट, और ऐसे आपको बोलना हो कि 8 o'clock हो गए हैं, ठीक है, 8 बज गए मेरी घड़ी में, मेरी घड़ी में या उसकी घड़ी में, हमेशा बाय लगाओ टाइम के लिए, हमेशा बाय लगाना। जो आपको बता रहा हूं, इस जैसे आप क्या बोलना चाह रहे हो कि मेरी घड़ी में 8 बज गए हैं, ठीक है, थीके? या मेरी घड़ी में 8:30 हो गए हैं, 7:30 हो गए, तो हमेशा बाय माय वॉच लगाना, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। विद किसके लिए होता है, विद आपका आता है क्या, इंस्ट्रूमेंट्स के यूज के लिए। इंस्ट्रूमेंट जैसे आप बोलो आई किल्ड हिम, मैंने उसे मारा बाय नाइफ, तो कई लोग बोलेंगे ये सही है, बट ये गलत है। जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई भी इक्विपमेंट यूज हो रहा हो, नाइफ कोई भी चीज, तो हमेशा उसके साथ विद लगाना, ठीक है। आई किल्ड हिम विद नाइफ, ठीक है। फ्रॉम आपको पता ही है, उसके द्वारा, ऑन मतलब पर, तो यहां पे मैंने भी आपको बताया इट इज हाफ पास्ट सेवन क्या हो जाएगा, बाय माय वॉच, टाइम के लिए बाय माय वॉच यूज करना। बहुत आसान है, और कई बार ये रिपीट होते हैं। पीआरटी का ही प्रीवियस ईयर करा रहा हूं, जैसे आप लोगों के कमेंट आए थे उस हिसाब से। तो देखो नेक्स्ट है, द बॉय लिव्स इन अ कोहेसिव कम्युनिटी। अब ये कह रहा है प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट सिनोनियम बताना, ठीक है। अब पहले आप देखो कोहेसिव का मतलब क्या होता है। कोहेसिव का मतलब होता है एग्रीगेशन। कोहेसिव का मतलब क्या होता है, कोहेसिव का मतलब होता है एग्रीगेशन। कोहेसिव का मतलब होता है द एक्ट ऑफ स्टिकिंग टुगेदर, एक साथ जो चिपके हुए रहते हैं, जो क्या कहते हैं, जो यूनाइट होके रहते हैं, यूनाइटेड होके एक साथ मिलजुल के रहते हैं, उसे बोलते हैं द एक्ट ऑफ स्टिकिंग टुगेदर, यूनाइटेड, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे कोहेसिव बोलते हैं, ठीक है। कोहेसिव मतलब एग्रीगेशन, एग्रीगेशन की मतलब जो एक साथ मिलजुल के रहे, बिल्कुल यूनाइट होके रहे, ठीक है ना। तो वो क्या कह रहा है, बॉयज जो इस कम्युनिटी में जो रहते हैं, द बॉय लिव्स इन अ कोहेसिव कम्युनिटी। कैसी कम्युनिटी में रहते हैं, यूनाइटेड, जो एक साथ मिल के कम्युनिटी है उसमें रहते हैं बॉयज, ठीक है। तो क्लोज निट, एक और देखो आप वर्ड क्लोज निट,
क्लोज निट का भी मतलब होता है यूनाइटेड, स्टिकिंग टूगेदर, जो एक साथ मिलजुल के रहते हैं। आपका आंसर हो जाएगा क्लोज निट। ठीक है, कोर्स मतलब होता है, इस कोर्स का मतलब होता है, देखो दो तरीके कोर्स होते हैं, एक कोर्स होता है ये वाला और एक होता है कोर्स ये वाला। आप, मैं टीचर हूं, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, तो हमारा कोई कोर्स होता है ना 3-4 महीने का, कोर्स मतलब ड्यूरेशन होती है। तो ये तो स्पेलिंग देख लो, और ये कोर्स होता है CORS, इस कोर्स का मतलब होता है रफ, जैसे खुरदुरा होता है वैसा रफ। ठीक है, ये दोनों करा दिए मैंने आपको, ये भी ग्रैंड मतलब आपको बताइए, वाह मतलब बहुत ही भव्य, बहुत ही बड़ा, वेलकम, ग्रैंड वेलकम जैसा होता है। आपका आंसर क्लोज नेट हो जाएगा। आगे बात समझ में, चलो। She does most of the work dash question tag। देखो मैंने आपको अभी एक हफ्ते पहले ही कराया था, एक आपका प्रीवियस ईयर पीआरटी का, उसमें भी क्वेश्चन टैग था और इसमें भी आ रखा है, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन टैग में क्या होता है, पहले आप हेल्पिंग वर्ब को उठाओगे, तो हेल्पिंग वर्ब उठा लो, हेल्पिंग वर्ब आ गई। फिर सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सेंटेंस पॉजिटिव है तो हेल्प, तो ये इधर क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो डजंट हो गया। और आप क्या करते हो, आप सीधा प्रोनाउन को उठाते हो, तो प्रोनाउन को उठा लो, डजंट सी आंसर हो गया आपका। क्लियर है बात। नेक्स्ट कह रहा है, विच सेंटेंस ऑफ द बिलो, विच सेंटेंस ऑफ द बिलो इज ग्रामेटिकली मोस्ट अप्रोप्रिएट, कौन सा ग्रामेटिकली मोस्ट अप्रोप्रिएट। ठीक है, कह रहा है आई प्लान टू वॉच अ मूवी, ठीक है, एंड आई कुड नॉट गेट द टिकट बट आई रीच्ड होम। मैंने प्लान, मेरा प्लान था मूवी देखने का, मैंने प्लान किया मूवी देखने का और मैं टिकट नहीं खरीद पाया। अरे यार, मूवी देखने का प्रोग्राम था और कहां से आ गया। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव को मिलाना है कि भाई मूवी देखने का प्रोग्राम था, और मैं ऐसे बोलूंगा, आप खुद हिंदी में बोलकर देखो कि मेरा मूवी देखने का प्रोग्राम था और मैं टिकट नहीं ले पाया, मैं बोलूंगा मगर मैं टिकट नहीं ले पाया, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, फिर यही आई प्लान टू वॉच अ मूवी एंड, फिर दोबारा एंड, ये भी गलत हो गया। अब इधर देखो, आप कह रहा आई प्लान टू वॉच अ मूवी बट आई कुड नॉट गेट द टिकट, मेरा मूवी देखने का प्रोग्राम तो था मगर मैं टिकट नहीं ले पाया। ठीक है, एंड आई रीच्ड होम, ये तो सही जा रहा है कि मगर मैं टिकट नहीं ले पाया और मैं घर आ गया। इस वाले को भी देखते हैं, आई प्लान टू वॉच अ मूवी मगर मैं टिकट नहीं ले पाया मगर मैं घर आ गया। अरे भाई, टिकट नहीं ले पाया तो घर ही गया ना वो, मगर ये मगर कहां से आ गया, ये भी गलत है। आपका आंसर सी हो गया, आई प्लान टू वॉच अ मूवी, मेरी प्लानिंग थी मूवी देखने की, मैंने प्लान किया बट मगर मुझे टिकट नहीं मिली, तो फिर मैंने क्या किया और मैं घर वापस आ गया, सैडली घर वापस आ गया। ठीक है, चलो ये भी क्वेश्चन जो पहले टेस्ट कराया था पेपर आपको सॉल्व, उसमें भी ऐसी क्वेश्चन आ रखा था। बस आप पैटर्न समझ लो, मैं आपको क्यों करा रहा हूँ कि आपको पैटर्न समझ में आए कि आ क्यों रहा है, क्या चीजें हो रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन आप देखो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, वो कह रहा है द रॉबर मतलब क्या होता है, चोर जो घर में आ जाते हैं तोड़ फोड़ के। ठीक है, द रॉबर टिप टोड टूवर्ड्स द लॉकर, जो रॉबर था वो लॉकर की ओर बढ़ा। ठीक है, टिप टोड इशारा करते हुए लॉकर की ओर बढ़ा, डैश या वोक द गार्ड्स। ठीक है, कि कहीं ऐसा मतलब गार्ड्स के उठने से पहले कहीं ऐसा ना हो कि गार्ड उठ जाए, इसलिए वो मतलब टिप टो करके लॉकर के पास गया, कहीं गार्ड ना उठ जाए। ठीक है ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि गार्ड उठ जाए, इसलिए वो टिप टो करके लॉकर के पास गया। तो कहीं ऐसा ना हो के लिए हम यूज करते हैं लेस्ट। क्या यूज करते हैं हम, लेस्ट यूज करते हैं। अलोंग मतलब के साथ में, बिसाइड मतलब एक होता है आपका बिसाइड और एक होता है आपका बिसाइड्स। इस बिसाइड्स का मतलब होता है के बगल में, जैसे मैं बोलूं ही इज सिटिंग बिसाइड मी, कि वो मेरे बगल में बैठा है। ठीक है, एक होता है बिसाइड्स, इस बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, मतलब कोई चीज इन एडिशन में, मतलब इसके अलावा, इसके अलावा आप और क्या कर रहे हो। जैसे मैं बोलूं कि आई वर्क इन एन एमएनसी। ठीक है, बिसाइड्स टीचिंग, कि टीचिंग के अलावा मैं एमएनसी में काम करता हूं। ठीक है, तो इसके अलावा क्या करता हूं, मैं एमएनसी में काम करता हूं, तो बिसाइड्स टीचिंग, समझ गए बात को। तो बिसाइड बिसाइड्स में क्या अंतर है, फ्रॉम का आपको पता ही है, लेस्ट आंसर हो जाएगा, मीनिंग के हिसाब से चला गया, ज्यादा डरने वाली इसमें कोई बात थी नहीं। ये भी मीनिंग के हिसाब से जाएगा, ये भी देखो एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिस टाइम टुमारो, हाँ दिस टाइम टुमारो आई डैश ऑन द क्रिकेट फील्ड, कि इस टाइम पे मैं मतलब कल
कल टुमारो आने वाले कल में मैं इस टाइम पे क्या कर रहा हूँ, क्रिकेट फील्ड में खेल रहा हूंगा, जो खेल रहा हूंगा फ्यूचर में खेल रहा हूंगा वो होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, तो क्या आएगा विल बी प्लेइंग, विल बी प्लेइंग, सिंपल है। कह रहा डैश ही डिड नॉट हैव फॉर्मल एजुकेशन, ही वॉज अ जीनियस इन मैथमेटिक्स। ठीक है, अब देखो ये जो एज होता है ये रीजन बताता है, बिकॉज भी रीजन बताता है। ठीक है, वो कह रहा है अगर मैं बोलूं एज ही डिड नॉट हैव फॉर्मल एजुकेशन, क्योंकि उसके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, मगर वो ही वॉज अ जीनियस इन मैथमेटिक्स, कोई सेंस ही नहीं जाएगा। फिर मैं बोलूं बिकॉज, क्योंकि उसके पास एजुकेशन नहीं है वो जीनियस है, अरे भाई जो एजुकेशन नहीं है उसके पास तो जीनियस कैसे हो सकता है। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है कोई रिजल्ट बताना, तो ये भी नहीं आएगा। अब आप देखो इवन दो, इवन दो का मतलब होता है हालांकि, हालांकि उसको फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, हालांकि उसको कोई एजुकेशन नहीं है कॉमा, ठीक है, बट वो क्या है मतलब सेंस क्या दे रहा है, हालांकि उसे ऐसा तो नहीं है मगर वो बंदा क्या है, वो बंदा जीनियस है मैथमेटिक्स में। कुछ बंदा गॉड गिफ्टेड भी होते ही हैं जिनका शुरू से मैथ्स अच्छा होता है, वो वाले सेंस में। तो सेंस का मतलब पहचानना है कि सेंटेंस मतलब क्या कह रहा है। नेक्स्ट देखो कह रहा है शी इज अ सेवियर ऑफ द डेस्ट्यूट, बहुत अच्छा, कई बार एग्जाम में आ रखा है। सिनोनिम बताना, तो पहले आप देखो डेस्ट्यूट का मतलब क्या होता है, डेस्ट्यूट का मतलब होता है आपका नीडी, मतलब बहुत ही ज्यादा गरीब, पॉवर्टी से भरा हुआ। ठीक है, आप इसे बोल सकते हो विदाउट एनी मनी, आप बोल सकते हो उसे पैनीलेस, नीडी विदाउट एनी मनी पैनीलेस। ठीक है, इसी को हम बोल सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा गरीबी से भरा, उसी को हम बोल सकते हैं पॉवर्टी स्ट्राइकन, पॉवर्टी स्ट्राइकन। ठीक है, इसी को आप बोल सकते हो क्या इम्पॉवरिस्ट, इम्पॉवरिस्ट मतलब बहुत ज्यादा गरीब होना, गरीबी में पला बड़ा है कोई, बहुत ज्यादा गरीब है। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, नीडी बता दिया है, पैनीलेस बता दिया, पॉवर्टी स्ट्राइकन बता दिया, STRICKEN, इम्पॉवरिस्ट बता दिया। एक वर्ड और देख लो जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, INDIGENT, इंडिजेंट। कैसे याद रखोगे, इंडिया, ये इंडिया है, इंडिया के जेंट्स कैसे होते हैं, इंडिया के जेंट्स गरीब है, मतलब मजाक में बता रहा हूँ, सीरियस मत ले लेना, ये कमेंट में लिख दो कि सर मैं गरीब नहीं हूँ। ठीक है, मेरे को ले लो, मैं इंडिया का बंदा हूं, मैं गरीब हूं, ये समझ लो। ठीक है, तो इंडिया के जेंट्स कैसे हैं, गरीब है। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो, मतलब मैंने आपको एक तरीका बताया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इम्पॉवरिस्ट इसका आंसर है। बाकी क्रीमी लेयर मतलब होता है इंपॉर्टेंट थिंग्स, वेल्दी, अमीर, डिससेटिस्फाइड, जो सेटिस्फाइड नहीं है। माई पप्पी डिसलाइक्स डैश आबाद, देखो मैंने डिसलाइक और लाइक का लास्ट क्लास में बताया था, तो आप देख लेना, मैंने आपको बताया था इनके साथ V1 प्लस में ING फॉर्म का यूज होता है। तो देखो माई पप्पी डिसलाइक्स टेकिंग आ जाएगा, ING फॉर्म आ जाएगी यहाँ पे, टेकिंग अ बाथ, मेरे पप्पी को पसंद नहीं है बात लेना। ठीक है, वेयर इज माई वॉकिंग स्टिक, सेड ग्रैंडपा द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द सेंटेंस। अब तो ये चेंज करना है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट नरेशन है। अब आप देखो वेयर इज माई वॉकिंग स्टिक, पहले बोल रहा है ग्रैंडपा सेड, तो हो जाएगा ग्रैंडपा सेड, ग्रैंडपा सेड है, ग्रैंडपा ने पूछा, क्वेश्चन मार्क तो हो जाएगा ग्रैंडपा आस्क्ड, आस्क के बाद कोई इफ या कोई वेदर वेदर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो अब ये देखो क्या हो जाएगा, आस्क्ड सीधा उठा लो यहां से, माय वॉकिंग स्टिक, माय का क्या होगा, माय मतलब मेरी, मेरी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पता ही है आपको, मेरा कन्वर्ट हो जाएगा हिज में। ठीक है, तो आस्क्ड हिज, आस्क्ड वेयर का अंगे रखो, ये रवियर, सॉरी ये रवियर, आस्क्ड वेयर हिज वॉकिंग स्टिक, किंग स्टिक, इसका क्या हो जाता है, इसका वॉज हो जाएगा, तो वॉज फुल स्टॉप। दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखना कि जब उसने बोला माय ग्रैंडपा, जब आप इनडायरेक्ट नरेशन लिख रहे हो, माय ग्रैंडपा आस्क्ड वेयर, तो इस वेयर के बाद यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट और फिर वर्ब आएगी, तो वॉकिंग स्टिक पहले आएगा, वर्ब पहले आएगी, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, वो इनडायरेक्ट नरेशन बता रहा है, क्वेश्चन पूछने में ये पहले आते हैं, पहले ये वर्ब आएगी फिर आएगा सब्जेक्ट, समझ रहे हो बात को। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आस्क्ड वेयर हिज वॉकिंग स्टिक वॉज। ठीक है, प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट एंटोनियम फॉर द अंडरलाइंड वर्ड इन द बिलो सेंटेंस। ठीक है, चलो देखते हैं, कह रहा है राशन इज वेग, ये वेग है, वेग VAGUE इन हिज डीलिंग्स, वेग मतलब होता है जो क्या हो, अनक्लियर हो, कैसा हो, बिल्कुल ही अनक्लियर हो, अनस्पष्ट हो, अनएक्सप्रेस्ड, अनक्लियर,
ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या है, एंटोनियम बताना, अपोजिट होता है क्लियर, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है, कह रहा है वन ऑफ द ऑप्शन बिलो इज अ कंप्लीट सेंटेंस। देखो ऐसे पेपर में आ रखा है, वही सेट करा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो कह रहा है देखो एक कंप्लीट सेंटेंस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो, ठीक है। तो यहाँ पे हेयर एंड देयर ये तो गलत है, हनी एंड क्रीम नहीं यार, नाउन नाउन नहीं, द डॉग एक डॉग है, कैनल में कोई वर्ब तो है ही नहीं, एक सब्जेक्ट है द प्लम्बर, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई, प्लम्बर ने क्या किया, टैप आ गया, और सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट, ये बिल्कुल सही है सेंटेंस। समझ गए ग्रामेटिकली कौन सा ज्यादा बेटर है। ऐसे 14 15 ये थोड़े पहले आ गए, इसके बाद ये वाले। हाँ अब देखो क्या कह रहा है, प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट एंटोनियम, इसमें भी एंटोनियम बताना है, चलो देखते हैं। कह रहा है हिज टिमिड नेचर वॉज द कॉज ऑफ हिज विल, टिमिड मतलब होता है डरपोक, फियरफुल, शाय शाय एंड नर्वस, डरपोक, ठीक है। चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड, तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा जो बंदा बोल्ड होगा, जो बंदा ब्रेव होगा, ठीक है, जो भी बंदा बोल्ड होगा ब्रेव होगा, ठीक है, ऑडेशियस, ऑडेशियस, AUDACIOUS, तो उसे क्या क्या बोलेंगे, बोल्ड एंड ब्रेव उसे कहेंगे हम, जो बहादुर होगा। हिज टिमिड नेचर वॉज द कॉज ऑफ हिज फॉल, बोल्ड एंड ब्रेव, ऑडेशियस, इधर आंसर बोल्ड। बैल्ड मतलब जैसे आप बोलते हो इसके सर पे बाल नहीं होते, उसे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द वेलफेयर स्कीम किंडल्ड होप अमंग्स द डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड मतलब भी होता है मतलब जिसके पास क्या हो, गरीब हो, जिसके पास नेसेसिटी ना हो ज्यादा, ठीक है, कमी हो चीजों की, खाने पीने की, नॉर्मल चीजों की कमी हो। तो सिनोनियम सिमिलर वर्ड देखो, कह रहा है द वेलफेयर स्कीम किंडल्ड होप अमंग्स द डिप्राइव्ड, किंडल्ड, किंडल मतलब होता है अंदर से जगा देना, अंदर की आग को जगा देना, अंदर से कुछ जगा देना, तो वेलफेयर स्कीम किंडल्ड मतलब जगा दिया, उसने होप जगा दी उसके अंदर की, तो इग्नाइट कर दिया, क्या कर दिया, इग्नाइट कर दिया अंदर की होप जगा दी, ठीक है। सोड आप लोग बताना, रिएक्ट मतलब किसी चीज पर रिएक्ट करना, डेसिमेट मतलब होता है किसी को डिस्ट्रॉय करना या फिर मार देना, किल करना, ठीक है। तो ये आपके कुछ चीजें थे, आपको पता होनी चाहिए, ये आपका 15 क्वेश्चन जो थे वो खत्म हो गए, ठीक है। मैंने पैराग्राफ नहीं कराया, बट जितने क्वेश्चन आए थे करा दिए, जैसे पीआरटी के क्वेश्चन थे, ठीक है। चलिए, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।